बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आपके सामने आए हैं, वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है, उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है, यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब चरण जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर आए इस प्रदेश में, आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताए, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपनी ही जगह रहे। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं, क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं, हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप में आप मिला के आपसे बात करें, आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले छह महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फेंकवाया आपसे जिस तरह कागज के टुकड़े को फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में बहुत साल हो गए हैं। आप तीन साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक वासी आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए, जो आपके लिए काम करना चाहता है उसको पहचानिए, और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाइए कि आगे बढ़कर ये प्रदेश मजबूत बने, इसका विकास हो और एक एक जगह आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय।